जब कुछ ऐसे लोग जो निस्वार्थ भावना से ना सिर्फ अपने बिजनेस को, इस पूरे आरसीएम को एक साथ उभारना चाहे, और मैं अपने आप को दुनिया का वो खुश नसीब आदमी समझता हूँ। जब मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम में आया था तो मेरे एक एक साथी की क्या क्या विशेषता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये याद नहीं है कि मैंने अपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम के कोर लीडर को कभी भी किसी भी कंडीशन में कुछ भी कहा हो और उसने उस काम को नहीं किया हो। तो मैं सैल्यूट करता हूं पूरी यूएस टीम को, और मैं चाहता हूं मेरी पूरी टीम के लिए खतरनाक तालियां हो जानी चाहिए। ऐसी टीम नहीं है दुनिया में किसी कंपनी के पास। तो मैं वन बाय वन अपनी कोर टीम को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहां पर बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये सपना आपका भी होना चाहिए कोर टीम में आने का, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगली 2 एनिवर्सरी 3 एनिवर्सरी में आप यहां पर बैठे हुए एक रिकॉर्ड बनाते हुए सारे साथी कोर टीम के अंदर आएंगे। मैं अपनी कोर टीम को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, हम उस क्रिकेट टीम की तरह हैं। उस क्रिकेट टीम में जब आप देखते हैं किसी भी क्रिकेट टीम पे जो विश्व विजेता होती है, अगर किसी क्रिकेट टीम में सारे बल्लेबाज अच्छे हो तो उसका हारना फाइनल है, और सारे बॉलर भी अच्छे हो तो भी उसका हारना फाइनल है। अगर क्रिकेट टीम में सारे के सारे लोग विकेट कीपर बन जाएं तो भी हारना फाइनल है, और क्रिकेट टीम में सारे वर्ल्ड क्लास फील्डर बन जाएं तो भी हारना फाइनल है। लेकिन वही टीम जीतती है जिनके पास इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन होता है, और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के पास इन सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ यूनिक एजुकेशन सिस्टम के उन साथियों का आप स्वागत करें। इस कड़ी में आपके सामने बुलाने जा रहा हूं द ब्रांड न्यू कोर टीम मेंबर, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एजुकेशन के दम पर अपनी टीम का निर्माण किया, जिसने डिसिप्लिन के नए मुकाम हासिल किए, जिन्होंने नए आयाम स्थापित किए, मिस्टर डी कुमार फ्रॉम वाराणसी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिल थाम के बैठिए, इसी कड़ी में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं एक और डायनामिक लीडर, जी हां, जिसका मैंने अभी स्टेज पर नाम लिया, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सिस्टमेटिक चेहरा, जिन्होंने सबसे तेज गति से बिजनेस को बढ़ाने का मुकाम हासिल किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आरसीएम बिजनेस को 2011 के संकट के बाद सबसे बड़ी पिन से सबसे पहले शुरुआत करके लोगों को बता दिया कि मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? जी हां, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर मंजीत सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज को लीडर। इसी कड़ी में मैं अब आपके सामने उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, इस बिजनेस को भूचाल बनके जिस व्यक्ति ने खड़ा किया, गर्व होता उस व्यक्ति का, जिसने पिछली 4 एनिवर्सरी में हर एनिवर्सरी में एक नया पद हासिल किया। मैं साउथ इंडिया के उस हीरो को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान से आरसीएम के हीरो हैं, मिस्टर सी आर एन मूर्ति एंड मिसेज अगिला के, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसी क्रम में अब मैं एक ऐसे शानदार शख्सियत को इन्वाइट करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैनेजमेंट के नाम पर अगर उस व्यक्ति को कोई बात कही जाए, उस चीज को जब तक वो फाइनल अंजाम तक नहीं दे दे कभी सांस नहीं लेने वाले। अगर इस इवेंट की भी बात करें तो जिसने कंधों से कंधा मिलाकर पिछले 20 दिनों से लगातार दिन रात एक किए हैं, चाहे वो एंट्री पास का सिस्टम हो, चाहे वो किसी और सिस्टम की बात करें, पूरी इवेंट को महत्वपूर्ण बनाने में जिस व्यक्ति ने सबसे शानदार रोल अदा किया, ऐसे कमिटेड साथी द ब्रांड न्यू कोर लीडर मिस्टर मिसेज जय नारायण कुकना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक ऐसे दमदार साथी को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं, एक शख्सियत और है जिसने पिछले 20 दिनों से इस एनिवर्सरी के लिए भरपूर प्रयास किए हैं, जो आने वाले समय में मैं फ्यूचरिस्टिक अगर प्रेसिडेंटों की गणना करूं तो उन लोगों में उनका नाम आता है जिनके अंदर कमिटमेंट है, किसी काम को हाथ में ले लिया तो उस काम को पूरा करना, और पूरा करने के लिए तो हजारों आदमी होते हैं लेकिन परफेक्शन के साथ पूरा करने वाले व्यक्ति, उस ब्रांड न्यू कोर लीडर को आपके सामने प्रसिद्ध कर रहा हूं जो छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, मिस्टर श्याम अग्रवाल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। दोस्तों, इसी क्रम में बुलाने जा रहा हूं हमारे सीनियर कोर साथी, ऐसे कोर साथी जिन्होंने कई सालों से आरसीएम के कोर टीम में आने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय करवाए और महत्वपूर्ण निर्णय कराने में अपनी राय को प्रकट किया, और उसकी वजह से आरसीएम के यूएस सिस्टम में, आरसीएम के अंदर बहुत सारे बदलाव आए जो
दिखने में पतले हैं मेरे भाई, लेकिन शख्सियत उनकी मिस्टर गांधी जैसी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस्टर विनोद शर्मा को मैं आपके सामने इनवाइट कर रहा हूं। आपकी जोरदार तालियों के साथ मिस्टर विनोद शर्मा। एक व्यक्ति का नाम लेते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। भारत की टीम में एक सितारा था, मिस्टर तेंदुलकर। तेंदुलकर ने क्या आयाम स्थापित किए हिंदुस्तान के क्रिकेटर के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि कद हाइट किसी सफलता का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मन में जुनून हो, कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना हो, तो ये सब चीजें हासिल की जा सकती है। हमारी इस टीम के तेंदुलकर, जिन्होंने जब भी दिल्ली में एनिवर्सरी हुई तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और ना सिर्फ हिस्सा लिया, उस एनिवर्सरी को परफेक्ट बनाने में योगदान दिया। मिस्टर तेंदुलकर, मिस्टर पी के सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बोलने का बिजनेस है, समझाने का बिजनेस है, प्रेजेंटेशन का बिजनेस है, लेकिन उस शख्सियत ने इस बिजनेस में आकर बता दिया कि फील्डिंग से भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं, फील्डिंग से भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी का नाम हासिल किया जा सकता है। जी हाँ, कम बोलने वाले उस शख्सियत की बात मैं कर रहा हूँ, जिनको जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो इतनी बारीकी से उस काम को निभाते हैं कि कोई भी गलती की कोई संभावना तक नहीं रहती। मिस्टर इंद्राज बिरार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इसी क्रम में मैं उस शख्सियत को नाम लेने जा रहा हूं जो दिखने में हम सबसे बुजुर्ग हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बूढ़ा हो गया तो सटिया गया, ये हमारे कुछ काम का नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के अनुभव ने कई बार ये समझाया है हमें कि अनुभव अनुभव होता है, बाप बाप ही होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सीनियर साथी मिस्टर एमएम निषाद का मैं आपके सामने स्वागत करता हूँ। प्लीज आइए एमएम निषाद, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, टारगेट लेकर अगर किसी काम करने की, अगर किसी शख्सियत की मुझे याद आती है, तो जिस व्यक्ति ने जब जब जो टारगेट लिया है अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में, उस टारगेट को सही मुकाम तक पहुंचाना, सही समय पर हासिल करना, और पूरी दुनिया को समझा देना कि प्लानिंग से अगर कोई काम किया जाए तो हर टारगेट आसान है, और जिन्होंने बीसी छाबड़ा जी के उस सपने को साकार कर दिया कि मैं कर सकता हूं और ये आसान है, ये बोलते बोलते जिस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस में कई कीर्तिमान पिछले सालों में हासिल किए, ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि टाइगर की तरह दहाड़ते हैं जब स्टेज पर चढ़ते हैं, मिस्टर साबुद्दीन खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कभी कभी T20 मैच देखने से हमें लगता है कि जो फास्ट गेंद गेम खेलते हैं वही लोग जीतते हैं, लेकिन एक शख्सियत ने बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे स्टेज पर आके बात करना चालू किया। उस व्यक्ति ने स्लो स्लो करते करते कितने लोगों को आउट कर दिया और इस बिजनेस में बड़े मुकाम तक पहुंचा दिया। मैं मैडम सरोज और दिनेश चौधरी की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैडम सरोज और दिनेश चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगर वो किसी मीटिंग के अंदर है, किसी सेमिनार में है, और यूएस के किसी फंक्शन के अंदर है, तो जिसके आ जाने से सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिसको भारी से भारी बात को कितने हल्के तरीके से कहने का अंदाज आता हो, और सिर्फ बातें करने का नहीं, जिन्होंने बिजनेस को कायम करने के, बिजनेस में नए मुकाम हासिल करने के कई आंकड़े हमारे सामने पेश किए हैं, और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उसके मुस्कुराते हुए चेहरे की वजह से उसे याद करता है। जी हाँ, डायनामिक लीडर, कोर टीम की शान, मिस्टर महावीर सारन, मिसेज महावीर सारन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपका आपके सामने बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति जो खुश मिजाज रहने के साथ साथ तेज गति से बिजनेस कायम करने में, लीडरशिप के उस मुकाम पर पहुंचने में जिन्होंने एग्जाम्पल हासिल किए हैं, जिन्होंने हंसते हंसते कई लोगों को बिजनेस समझाने का काम किया है, वो मुस्कुराता हुआ अगेन चेहरा, जिस जब कोई व्यक्ति उससे मिलता है तो दूर से ही सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, दिल्ली की आन बान शान, मिस्टर जे के जैन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं
मैं बुलाने जा रहा हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ट्रेजरर, एक सिस्टमेटिक व्यक्ति, एक निर्विवाद व्यक्ति, जिसने जब भी कोई बात की है तो निस्वार्थ भावना से बात की है, अपना पक्ष साथ नहीं रखा। सिस्टम को अगर तेज गति से गतिमान बनाने का काम जिस शख्स ने किया और जिसने हमेशा सिस्टम को सर्वोपरि रखा, किसी व्यक्ति को सर्वोपरि नहीं रखा, उस व्यक्ति का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, जो बिहार पटना से हमारे बीच में है, मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगर बिजनेस के शुरुआती मूवमेंट की बात करें तो मैं छत्तीसगढ़ को नहीं भूल सकता। मिस्टर विजेंद्र सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर जिस बिजनेस को किया और वहां पर एक हीरा सवारा जो आने वाले समय में काम करते करते आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम का एक सितारा है, जिसने लगातार यूनिक एजुकेशन सिस्टम की सारी जिम्मेदारियों को निभाया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ किसान हमारे बीच में है, मिस्टर रत्नेश जैन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं उस स्पीड से काम करने वाले उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, शब्दों के उस जादूगर की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंसी के उस मुकाम की बात कर रहा हूं। जब जब भी चैलेंज होता है तो जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले हमारे सीनियर साथियों की जबान पर आता है तो वो एकमात्र शख्सियत है, हरियाणा से मिस्टर श्री चंद अत्री, प्लीज कम ऑन स्टेज। तैयार हो जाइए नेक्स्ट व्यक्ति के लिए, जिसका नाम है द स्पीड मास्टर, जिन्होंने स्पीड से चलने की अगर शुरुआत कराई है हिंदुस्तान में तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्रिएट किया है, मिस्टर कदम सिंह राठी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। द कराटे मास्टर, मैं उस शख्सियत का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं जिन्होंने कभी आर्टिफिशियल संवाद नहीं किया, जो मन में है जिस बात को हमेशा सामने रखा और लोगों के चहेते बने। एक ऐसा व्यक्ति जो बोल कुछ भी सकता है लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसके दिल में कोई भी गंदगी नहीं है। लोगों के दिलों के सरताज, हर दिल अजीज, दिल्ली से मिस्टर विजय विरोधिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगेन मैं आपके सामने इसी क्रम में ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूं, शालीनता की जिसने मिसाल पेश की, आरसीएम के सीनियर कोर लीडर के पद पर वो स्थापित हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णयों में हमेशा अपनी भूमिका निभाई, जिसने हमेशा सिस्टम को तवज्जो दी, जो इंडिविजुअल की किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं बने और हमेशा एक सिस्टम को सर्वोपरि रखने के बाद एग्जाम्पल कायम किए। जयपुर राजस्थान से मिस्टर राजाराम सारन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, इसी क्रम में मैं उस गुरु को बुलाने जा रहा हूं जो इस बिजनेस में तो मेरी अपलाइन है ही, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनका फैन ना हो, जिन्होंने पर्दे के सामने रहकर काम किया ना किया हो लेकिन पर्दे के पीछे जो काम वो करते हैं, जो डायरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े फंक्शन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, बड़ी बड़ी एनिवर्सरी आसानी से हो जाती है। मेरे गुरु, मेरे मेंटर और आरसीएम की मैक्सिमम लोगों की अपलाइन, मिस्टर पहलाद राय, प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्टेज पर बड़े मुकाम हासिल किए ना किया हो लेकिन बिजनेस में डायमंड बनने की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की, एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने का सिकंदर नहीं है लेकिन छक्के मारने का सिकंदर है, चौके मारने का सिकंदर है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आरसीएम से जीतेंगे दुनिया। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं द रियल डायमंड, द ओरिजिनल हीरा, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आरसीएम में आकर हिंदुस्तान में कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी नहीं रखी जिसके अंदर उस व्यक्ति का नाम नहीं जाना जाता हो, द आइडल नेटवर्कर, द डायमंड, द रियल डायमंड, मिस्टर सुरेंद्र वास, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन, लोग बाग अपनी स्पीच में बार बार कहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है, लेकिन जनरेशन को बदलने के लिए वक्त बिताना पड़ता है। हिंदुस्तान में आरसीएम के 21 साल पूरे होते होते कई एग्जाम्पल क्रिएट हुए जिन्होंने सेकंड जनरेशन से इस बिजनेस को चालू किया और नए मुकाम हासिल किए। जी हां, एक शख्स जिसने इस बिजनेस को धुआंधार तरीके से चालू किया, आज वो हमारे बीच में नहीं हो लेकिन 2012 में उसके बच्चे ने
जब इस बिजनेस में शुरुआत की तो उसे आरसीएम की फुल फॉर्म का भी पता नहीं था कि आरसीएम का पूरा नाम क्या है। लेकिन उस व्यक्ति ने इस बिजनेस में कदम रखकर और कुछ ही दिनों में हिंदुस्तान के सबसे चहेते लीडरों में से एक बने, द स्टार डायमंड मिस्टर रवि ओपी शर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, मैं अब आपके समक्ष बुलाने जा रहा हूं एक शानदार लीडर, एक ऐसा लीडर जिसने हमेशा अपनी अपलाइन को कैसे तवज्जो दी जाती है, अपलाइन से कैसे सीखा जाता है, बारीक बारीक पॉइंट पर सीखते सीखते लोगों के चहेते बन गए और आज हिंदुस्तान में बहुत सारे फॉलोअर की टीम उनके पास है, मिस्टर प्रमोद गुलाटी जिंद हरियाणा से, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, द मास्टर ऑफ सिस्टम, जिन्होंने सबसे पहले सिस्टम क्या होता है उसका अर्थ समझाया, सिस्टम का महत्व। जब हम शुरुआत में इस बिजनेस में हम सारी टीम आई थी तो जानते नहीं थे कि सिस्टम क्या होता है, हम तो ऐसा लगता था कि जो दौड़ता है उसका सिस्टम बन जाता है। लेकिन पहली बार जिन्होंने बताया कि बेसिक, कोर और कॉर्डिनल किस तरह से इस बिजनेस में आएंगे तो किस तरह से प्रोग्रेस होगी, और जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की और सिस्टम को समझाने में काम किया और आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम आज है तो उनके सिद्धांतों की वजह से है, द मास्टर ऑफ सिस्टम मिस्टर के सी छाबड़ा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं उस व्यक्ति को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जिसका नाम भाग है, मारवाड़ी में भाग मतलब भाग्य है, किस्मत है, लक है। उन्होंने अपनी किस्मत चलाई कि नहीं चलाई मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों लाखों आदमियों के भाग्य को चमकाने का उन्होंने काम किया है। उनकी मुस्कुराहट बड़ी से बड़ी समस्याओं को आसान कर देती है, उनका एक डायरेक्शन किसी एक चीज को टॉप पर ले जाकर खड़ा कर देता है। पूरी कोर्ट उनके गुरु, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान का वो व्यक्तित्व जिसको सब लोग दादाजी के नाम से जानते हैं, द भाग्य चंद छाबड़ा, मिस्टर भागचंद छाबड़ा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। और अभी मैं बुलाने वाला हूँ आरसीएम बिजनेस के अमिताभ बच्चन को। सर, आरसीएम के अमिताभ बच्चन और हमारे यूएस के प्रेसिडेंट को हम बुलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार खड़े होकर पूरे सम्मान के साथ, पूरी जोरदार तालियों के बाद इनवाइट करना चाहते हैं मिस्टर मुकेश कोठारी। सीआरएन मूर्ति, थैंक यू। आज हम एक नई चीज की घोषणा करने जा रहे हैं, एक ऐसी बुक को लॉन्च करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम और आरसीएम का एक दर्पण होगी, जहां पर आरसीएम के नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, टीसी छाबड़ा जी और कंपनी के डायरेक्टर क्या चाहते हैं पूरे साल में, डिस्ट्रीब्यूटर से उनके मैसेज होगा, उनके विजन के रूप में बात आएगी, हिंदुस्तान में जितनी भी सेमिनार होती है उनकी खबर उसके अंदर आएगी, और जो भी अचीवमेंट आपके यहाँ पर होते हैं उसकी खबर आप उस मैगजीन में भेज पाएंगे। श्रीमान टीसी छाबड़ा जी से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वो आएंगे और इस बुक को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों, इस मैगजीन की लॉन्चिंग के लिए आप तैयार हैं? तो आपके सामने आ रही है यूनिक एजुकेशन सिस्टम की वो बुक जो आने वाले समय में हमारे बिजनेस में चार चांद लगा देगी, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेगी। यूनिक एजुकेशन सिस्टम की बुक को लॉन्च करने जा रहे हैं, लॉन्च द डायमंड लाइफ। धन्यवाद।